हेलो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मारा धोरान ही धरती के अंदर जो है आज फाइनली फर्स्ट अलॉटमेंट रिलीज किया गया यूजी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चों की आशाएं कंप्लीट हुई और ऑलमोस्ट बच्चों का जो अलॉटमेंट आया वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यार कॉम्पिटिशन में जो है थोड़ा सा चेंज जा रहा है अभी। तो जैसा कि जिस प्रकार से हम यूजी वाले बच्चों का कट ऑफ एनालिसिस कर रहे थे, तो हमें देखने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो अलॉटमेंट है वो जो है 200 मार्क्स के नीचे भी देखने को मिला है। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखा गया कि ऑलमोस्ट जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो ऑलरेडी इनरोल है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के अंदर या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने जो सबसे लास्ट में अपना अलॉटमेंट रिलीज किया है, और यहाँ पे उन्हीं बच्चों ने ऑलमोस्ट अप्लाई किया था जिनके काफी अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि जिनका लो मार्क्स थे उन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि भैया 10,000 रुपये चार्ज लग रहे हैं सारे कोर्सेज के लिए, और अगर अप्लाई किया होगा तो एक दो कोर्सेज के लिए किया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऑलमोस्ट कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बिकॉज जो दिस फॉर्म इज वेरी कॉस्टली और यूनिवर्सिटी ने इसका चार्जेस बहुत ही ज्यादा रखे थे। 2-3 फॉर्म के आई थिंक इन्होंने जो है 1,000 रुपये चार्ज रखे थे। अगर आप सारे कोर्स अप्लाई करते हैं तो इनके चार्जेस 10,000 से भी आर पार थे, राइट। तो अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजों में, DU के कॉलेजों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, जोसा काउंसलिंग के अंदर एंड मेनी मेनी अदर काउंसलिंग में रजिस्टर्ड है। तो भैया अब क्या होगा? तो गाइस जल्दी जो है, हालांकि इनको टाइम दिया गया है 11 नवंबर तक का, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं कि भैया हम जो है हमारे कॉलेज जो स्कूल था उसने अभी डॉक्यूमेंट हमें दिए नहीं है, माइग्रेशन हमने अभी किया नहीं है। हालांकि डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रोसेस आपका जुलाई से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे इंडिया में ऐसे बहुत लाखों आपको मिल जाएंगे लोग जो कि जो ये सोचते हैं एडमिशन के टाइम पर, हेलो भैया हमारा तो हुआ नहीं है, अब हम क्या करें, अंडरटेकिंग का कोई ऑप्शन बताओ, राइट। तो यार यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है एंड पहले भी करती आई है। ऐसा कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले में देखने को नहीं मिला जो कि मैं डायरेक्टली ईमेल करता हो या फिर कॉल पे रेस्पॉन्ड करता हो, नहीं, लेकिन ये राजस्थान वाला करता है, ये आपकी पूरी हेल्प करता है, ठीक है। आप कॉल करोगे तो भी करेगा, आप अगर इनको ईमेल करोगे तो भी जवाब देंगे आपको, ये लोग सामने से आपको ईमेल करके बोलेंगे आपकी कोई भी क्वारी हो आप हमें भेजो। हर डिपार्टमेंट ने आपको ईमेल डाला है, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हर डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ईमेल आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। यार इसकी जो सर्विसेज है वो काफी अच्छी लगी हमें, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, एरिया एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, राजस्थान के हमारे अजमेर शहर के अंदर कॉलेज सिचुएटेड है, हमारे 12th के अंदर जो गुरुजन थे जो पहले में पढ़ाते थे वो भी यहीं से पढ़े हुए थे, राइट। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो टीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, राजस्थान के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, यार लोग भी बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के वैसे, ठीक है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट आया है और अगर उनको फॉर्म डॉक्यूमेंट में अगर इश्यू आ रहा है, डेफिनेटली आप अंडरटेकिंग एंड ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी वालों से। 11 नवंबर तक का आप लोगों को टाइम दिया गया है, आप ज़रूर से जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सबमिट करो, ठीक है, एंड अपनी फीस वगैरह जमा कर दो। अगर 11 नवंबर के बाद जो भी सीटें वैकेंट होती है तो आपका जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड रिलीज किया जाएगा, थर्ड राउंड रिलीज किया जाएगा। हालांकि आपको जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट सीटें स्पोर्ट राउंड के थ्रू भरी जाएगी। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक आइडिया नहीं कि भैया स्पोर्ट राउंड कैसे होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन कैसा होता है, हमारे लो मार्क्स है फिर भी क्या हमारा एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो बच्चे जो हमारा पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं या फिर CUET ब्रॉडकास्ट सर्विस भी ले सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपके बेटर अपडेट्स के लिए हमारा CUET एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपकी हम पूरी हेल्प करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर कैसा क्या अपडेट आता है सारा सब कुछ वहीं पर डालते रहते हैं, एंड ऑलमोस्ट हम CUET ब्रॉडकास्ट में भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इसके साथ यार PG वाले बच्चों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक, ठीक है। थैंक यू, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ज़रूर से अप्लाई करो, फीस जमा करो और मेरे को बताओ कि कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।